नमस्कार, मैं आज कदुआ स्वास्थ्य जो पूरा मामला रहता है इसका देख रेख जिसे स्वास्थ्य पदाधिकारी कहा जाता है उनसे आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में जिन समस्याओं को आप देखते हैं उनका हल सिर्फ यही सर कर सकते हैं जिसे कदुआ प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिए पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। सर, आप कितने दिनों से नियुक्त किए गए? बीच में नहीं था, उसके पहले था। असल में मेरी पोस्टिंग मानसोई है मंडलीय अस्पताल में, लेकिन यहाँ चिकित्सकों की कमी रहने के कारण मुझे यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। सही है, चिकित्सकों की कमी जो कहा जाता है ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। यहाँ कुल शायद 9 सीट को की खाली जगह है, अभी कितने हैं? अभी एक MBBS चिकित्सक है, और एक मैं हूँ, तो मात्र 2 है। तो जो अपर्याप्त है अब तो इसको CSC में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि 9 चिकित्सक होते हैं। और हमारे यहाँ पूरे कदुआ प्रखंड में 7 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें 2-2 चिकित्सक होने चाहिए। तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 में से मात्र 1 जगह 1 आयुष चिकित्सक है, उधर भी MBBS चिकित्सक नहीं है। तो एक कमी कई वर्षों से चल रहा है, बीच में 5 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी 5-6 महीना पहले। इसे क्या कहा जा सकता है? सरकार जैसे जो भी गवर्नमेंट आती है वो स्वास्थ्य विभाग पर और स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने के लिए कोई भी कदम सही से नहीं उठा रही है। इसमें देखिए, सरकार कदम उठाती है, बहाली क्यों नहीं ले पाई? 5 चिकित्सक यहाँ आए हुए हम बता रहे थे, तो 5 चिकित्सक में से 4 फिर यहाँ से वापस चले गए। वापस जाने का कारण हो गया कि किसी को PG की पढ़ाई करनी थी, कोई कहीं जूनियरशिप कर रहे थे, इसके कारण वो लोग फिर यहाँ से वापस चले गए, वो पद फिर वैकेंट कर दिया गया है। तो इसके कारण चिकित्सकों की कमी कई सालों से यहाँ पर है। फिर हम लोग लिखे हैं जिला को कि इस तरह तो यहाँ PSC में काम करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए चिकित्सकों की बहाली किया जाए। बार बार आग्रह करते हैं, हम लोग पत्र भी देते हैं, पर्सनली मिलते भी हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, एक तो वो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, मेन स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, ये जगह जगह 2-1 पंचायत मिला करके उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, वही अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है कि उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में एक होता है जी, जिसको सब सेंटर बोलते हैं जी। और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ अस्पताल जी, जहाँ पर कि डॉक्टर रहे, और उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ कि जहाँ पर कि NM काम करती है, तो वो पंचायत वाइज करीब करीब होता है जी। तो जैसे कि हमारे यहाँ 30 उप स्वास्थ्य केंद्र है, 30 पंचायत है जी। और तो सर, सब जगह बने कहाँ है? हाँ, बने नहीं है, बहुत जगह बने हैं। कितने बन चुके हैं? बहुत जगह अभी बने नहीं है, लेकिन कई सब जगह इस बार लगता है पास हो गया है, बिल्डिंग ये सब बने ही। तो जैसे आपको चौकी में नहीं था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ बन गया है। और इसी तरह समोली में भी बनने का प्लान है। और उप स्वास्थ्य केंद्र कई जगह है फंक्शनल, और कई जगह जैसे रोनिया में नहीं है। कुछ डेटा होंगे ना सर? हाँ, डेटा होंगे। स्वास्थ्य केंद्र संचालित कितने बने? ऑफिस में मिलेगा, वो ऑफिस में मिलेगा। तो सर, ये आपदा प्रबंधन के मामले में आप उस वक्त आपकी जिम्मेदारी क्या क्या रहती है? आपदा प्रबंधन हम लोग तो मेन स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल के लिए है। तो अब जैसे कि कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे बाढ़ का समय आता है, तो उस समय में हम लोग जगह जगह कैंप लगा कर मरीजों का इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये 2 साल से कोविड चल रहा है, कि कोविड में सारे चिकित्सा कर्मी लगे रहते हैं, और ये महामारी से बचने के लिए समझिए कि फ्रंट लाइन वर्कर तो हम ही लोग हैं, जो प्रारंभ से ही काम कर रहे हैं। और स्थिति को हम लोगों ने कोविड को करीब करीब नियंत्रित किया है। सही है, उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ भी बने हुए हैं उसको बहुत कम ही जगह संचालित किया गया है,
ये दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों ऐसा अब तक बंद पड़े हुए हैं? बिल्डिंग यह खूबसूरत बनी हुई है। अब दिक्कत है कि इधर दो साल से जो स्थिति है कि सारे एनएम को कोविड में लगाया जाता है, अब कोविड का काम खत्म हुआ है तो उप स्वास्थ्य केंद्र में है कि सप्ताह में दो दिन टीकाकरण करना है, तो जो अब शुरू किया जा रहा है। अभी कोई विशेष प्रोग्राम जैसे अभी पल्स पोलियो चल रहा है, तो पल्स पोलियो में सारे कर्मचारी को फिर पल्स पोलियो में लगाया जाता है कि घर घर जाकर बच्चों को पिलाना है, तो उसमें जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है चाहे आशा हो या एनएम हो तो सबको उसमें लगना पड़ता है। और बहुत दिन से यहाँ एनएम की कमी थी, इधर एक साल से एनएम आ गया है और ये कोविड अगर नहीं रहता तो हमारे सभी उप स्वास्थ्य केंद्र फंक्शन होते। ये थे कथवा स्वास्थ्य पदाधिकारी हरिनंदन रॉय, इनसे हम मालूम कर रहे थे कि कथवा पूरे प्रखंड में स्वास्थ्य के मामले में क्या क्या सरकार आप तक स्कीम दी है और सरकार किन प्रयासों को आपके सामने लाकर खड़ी करने की कोशिश कर रही है। सर एक सवाल आप ये बता दीजिए कि आखिर जहाँ जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं पर संचालित नहीं हुए तो वो कैसे संचालित होगा? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करना वो हमारी एनएम है वो करती है जी। हाँ, वो अब स्थिति समान होने पर सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र काम तो कर ही रहे हैं, कोविड में लग जाते हैं इसलिए स्वास्थ्य केंद्र में पता नहीं चलता है, एनएम को दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो जैसे कोविड खत्म हो रहा है स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं उसके अनुरूप जो संख्या और अनुपात की भी कमी है तो बहुत कमी है और कितने एनएम होने चाहिए? अभी हमारे यहाँ 70 के करीब एनएम है। हाँ, तो होने कितने चाहिए? हाँ, तो 20 और होने चाहिए। उसमें है क्या कि अब जैसे कि अस्पताल में एनएम का पोस्टिंग नहीं है तो हम लोग को उप स्वास्थ्य केंद्र के जो एनएम होते हैं वहीं से यहाँ का काम चलाना पड़ता है, इसके कारण कमी हो जाती है। अस्पताल में अगर एनएम की पोस्टिंग हो जाए, चिकित्सक की पोस्टिंग हो जाए तो फील्ड वाले जो एनएम है उसको हम लोग फील्ड में रखेंगे इसी के कारण। लेकिन अब कोविड की स्थिति समान होने के बाद हम लोग को स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो काम है वो नियमित रूप से चले।